शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है महान है परमेश्वर प्रशंसा के योग्य है और आइए हम मिलकर उसकी आराधना करते हुए प्रार्थना करें परम प्रधान परमेश्वर पिता हम तेरी आराधना करते हैं तेरी स्तुति करते हैं तेरी महिमा करते हैं तेरी बड़ाई करते हैं राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु परम प्रधान परमेश्वर ओ प्रभु जी अपने सिरों को तेरे आगे झुकाते हैं और तेरे नाम का नमन करते हुए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हमें तूने सुरक्षित रखा हर प्रकार से हमारी मदद और तो रखवाली की हर खतरे से हमें बचाया अपनी पनाह में रखा इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं लेकिन हम उन मित्रों को भी याद करते हैं परम प्रधान परमेश्वर पिता जो कुछ भी परेशानी में लोग हैं प्रभु जी हम उन सब मित्रों को याद करते हैं जो परमेश्वर पिता परिस्थितियों में ऐसे फंसे हुए हैं कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है विनती करते हैं प्रभु जी कि तू उन्हें छुड़ौती देगा उन्हें मदद देगा और उन्हें परमेश्वर पिता अपने पंखों तले छुपाए रखेगा एक एक पर अपनी आशीष का हाथ रख और होने दे कि जब हम तेरे वचन का मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो तू हमारी प्रार्थना सुनेगा हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करेगा ताकि हम तेरे वचनों को पढ़ सकें समझ सकें और जैसे जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो प्रभु जी अपने वचनों को हमें सिखा ताकि हम ना सिर्फ वचन के सुनने हारे परंतु चलने हारे उस पर बन सकें आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमीन, आमीन और आमीन। आशा है आप सब सुरक्षित हैं और परमेश्वर के कृपा से आप सब भले हैं लेकिन यदि और कोई भी आपको परेशानी है या कोई परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप हमें फोन करते रहिए हम आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक ले जाते हैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी आपकी ज़रूरत होती है हम उसे प्रभु तक पहुंचाते हैं और हमें आशा है परमेश्वर आपको प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं यूट्यूब पर भी जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं उन पर भी हम ध्यान देते हैं वहाँ से भी हम प्रेयर पॉइंट्स उठाते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो YouTube पर जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रार्थना के रिक्वेस्ट जरूर हमें भेजिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ये आश्वासन हम आपको दिलाते हैं और हमारे चैनल को आज जब आप देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जैसे आप आशीषित होते हैं दूसरे भी आशीष पा सकें आइए हम अपने आज के पाठ में जाए हम लू का रचित सुसमाचार और उसका छठवा अध्याय कर रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसके चेले खेत में से होकर जा रहे थे तब उसके चेले बालें तोड़कर उसे मलकर और खाने लगे और जो व उनके साथ फरीसी और सदू की थे वो कहने लगे कि तेरे शिष्य जो हैं वो सप्त का पालन नहीं करते हैं सप्त के दिन काम नहीं करना चाहिए लेकिन तेरे शिष्य जो हैं वो बालें तोड़ रहे हैं मल रहे हैं खा रहे हैं काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें दाऊद के बारे में बताता है कैसे दाऊद ने पवित्र रोटी जो याजक से ली थी और भूखे थे जब वो और उसके साथी तब उन्होंने वो पवित्र रोटी जो सिर्फ याजकों को खाने के लिए जिनको अनुमति थी उस रोटी को उन्होंने खाया तब बताता है कि इंसान शब्द के लिए बनाया नहीं गया शब्द इंसान के लिए बनाया गया और सब्त के दिन हम भला काम करना सीखें और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बात तुमको मालूम हो कि मैं सब का प्रभु हूँ यहाँ तक हमने किया था और ये बात बहुत ज़्यादा फरीसियों और सदुखियों को बुरी लगी थी क्योंकि सब्त का जो दिन था वो इंसान नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से था इंसान ने नहीं बनाया था हम देखते हैं कि उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने छः दिन में सृष्टि रची और सातवें दिन उसने विश्राम का दिन घोषित किया और हम उसे पढ़ के देखेंगे उत्पत्ति में देखते हैं उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ रही हूँ यू आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया तो ये जो सप्त का दिन था जो सातवां दिन था ये इंसान ने नहीं बनाया परंतु ये परमेश्वर ने बनाया था परमेश्वर ने ये विश्राम के दिन को लिखा है उसने उसे पवित्र ठहराया और उसे आशीष दी तो ये एक आशीषित दिन था और पवित्र दिन था तो आशीषित दिन और पवित्र दिन ये दो नाम जब हम सुनते हैं तो आशीष का मतलब होता है कि इंग्लिश में हम कहेंगे ब्लेस्ड और ब्लेस्ड का मतलब होता है हैप्पी मतलब आनंदित होना तो ये एक आनंद का दिन होना चाहिए और पवित्र दिन होना चाहिए और मित्रों जहां पवित्रता होती है वहां पर अपने आप आनंद आ जाता है गंदगी और पाप से दुख आता है लेकिन पवित्रता से आनंद अपने आप आ जाता है तो पवित्रता का मतलब है भले काम करना लेकिन यहां पर ये लोगों ने उस चीज का मतलब अलग ही निकाल लिया था कि कोई भी काम नहीं करना और ये लोग ज़्यादा करके इंसान इतना व्यस्त हो जाता है अपने कामों में कि परमेश्वर को याद करना भूल जाता है उसके साथ समय बिताना भूल जाता है इसलिए परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया था कि सारे काम से इंसान विश्राम करे और ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है सेवन डेज अ वीक तो एक दिन विश्राम का होना बहुत ज़रूरी है हफ्ते में एक दिन इंसान को विश्राम करना तो इसलिए परमेश्वर ने वो एक दिन दिया था कि इस दिन तुम सारे काम से छः दिन काम करो लेकिन सातवें दिन विश्राम करो परमेश्वर की स्तुति आराधना करो एक दूसरे से मिलो बातचीत करो अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ परिवार के साथ खुशी मनाओ और उस दिन को पवित्र रखो कोई बुरे काम मत करो किसी के साथ बुराई मत करो परमेश्वर का वो उद्देश्य था लेकिन इंसान ने उसे इस प्रकार से बदल दिया लिखा तालमुद एक किताब है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो यहूदी लोग फॉलो करते हैं उनके सारी आज्ञाएं क्या करना है रीति रिवाज उसमें भरे पड़े हैं और उसमें 24 अध्याय हैं जो सब्त के दिन के विषय में है कि कितने कदम चल सकते हैं लिखा है कि 1999 कदम चल सकते हैं उससे अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो वो काम होता है तो इस प्रकार से हो सकता है ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके कदम गिनते हुए भी चलते हों तो शक नहीं कौन सी चीज़ उठा सकते हैं कौन सी चीज़ नहीं उठाना है लिखा है कि सिर्फ एक अंजीर के वेट का बोझ उठा सकते हैं इसलिए औरतें जेवर भी नहीं पहनती थी क्योंकि वो भारी होता है और वो जो भार है अगर अंजीर के भार से ज़्यादा है तो वो भी एक काम हो जाएगा एक बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि सप्त के दिन वो अपने घर से बाहर जा रहा था और रास्ते में एक यहूदी का घर पड़ता था उसने कहा कि प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए वो हीटर ऑन करके जाओगे और मेरे उस फ्रेंड ने उस हीटर के स्विच को ऑन किया और वहाँ से निकल के गया मतलब शब्द के दिन एक स्विच को भी ऑन ऑफ करना वो लोग काम समझते हैं तो इस प्रकार से लोग ये बोझ ढोए हुए जाते थे इसीलिए मत्ती में 11 और 28 में प्रभु यीशु मसीह कहता है हे बोझ से धके और दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा तो उसका ये मतलब नहीं था कि लोग सिर पे बोझा उठा के घूम रहे थे इतना उन पर लाद दिया गया था रीति रिवाज कि बेचारे उस भार को उठा नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है कौन सा काम सही है कौन सा गलत है और कहाँ से लोग इतनी चीज़ें सीख पाएंगे फरीसियों को मालूम था सदुकीियों को मालूम था वो पढ़ते रहते थे ध्यान देते रहते थे इसलिए उन्हें मालूम था लेकिन जब साधारण इंसान थे उनको हर एक चीज़ नहीं मालूम थी और उन्हें पकड़ पकड़ के लाते थे और फिर बताते थे कि तुमने ये गलत किया तुमने वो गलत किया और इस प्रकार से लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और बहुत परेशान थे और बोझ से दबे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह उस सारे बोझ से छुड़ौती देने के लिए आया था और यहाँ भी प्रभु परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएँ दी थी जो उस समय लोगों के लिए थी क्योंकि उस समय उद्धार के लिए किसी ने अपने प्राण नहीं दिए थे बछड़ा बैल और मेमने के द्वारा ही पापों की क्षमा मिलती थी उस समय जो आज्ञाएं दी गई थी अभी नए नियम में आके वो सब लागू नहीं होती हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सब का दाम चुका दिया एक बार इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को तैयार कर रहे थे कि अब ये सब चीज़ों का अपने कंधे पे बोझ ढोना व्यर्थ है बेकार है क्योंकि मैं आ गया हूँ और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे थे और खुद सब्त के दिन को जो लोग जो आज्ञाएँ वो मानते थे उन्हें ना मानकर वो भले काम करना शुरू उन्होंने कर दिया ताकि लोग सीख सकें उनके जीवन के द्वारा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और यहाँ हम देखते हैं कि वो लोगों ने जब ऑब्जेक्शन लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सप्त का प्रभु हूँ इसके आगे छठवें वचन में हम देखते हैं ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था तो सप्त के दिन आराधनालय में आराधना हुआ करती थी स्पेशल आराधना का दिन होता है वो और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं और जाकर आराधनालय में उपदेश देने लगते हैं बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे होते थे प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुनने के लिए और जब वो वहाँ पर गए तो प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने एक बात देखी कि एक आदमी वहाँ पर है जिसका दाहिना हाथ सूखा है शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सब के दिन चंगा करता है कि नहीं और यहाँ भी हम वही देखते हैं कि वो लोग ये देखने के लिए वहाँ पर थे फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें ये उसे चंगा करता है या नहीं करता प्रभु यीशु मसीह यदि कोई काम ना करे तो भी उसकी गलती पकड़ने को तैयार थे और यदि करे तो भी पकड़ने को तैयार थे तो इस प्रकार से चित भी मेरी पट भी मेरी इस प्रकार के परिस्थितियों में वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे और जब उन्होंने ये देखा कि देखेंगे कि ये चंगा करता है या नहीं आठवें वचन में पढ़ते हैं परंतु वह उनके विचार जानता था इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा उठ बीच में खड़ा हो और वह खड़ा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के विचार को भाप गए और उन्होंने उनके विचारों को जब उन्हें मालूम हुआ कि वो लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं उसने अपना उपदेश रोका और अपनी दृष्टि दाहिने हाथ जिसका सूखा था उस मनुष्य पर लगाई और उससे कहा उठ और बीच में आके खड़ा हो जा और जब उससे वो बात कही गई तो वो आकर खड़ा हो गया ईशु ने उससे कहा मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है भला करना या बुरा करना प्राण को बचाना या नाश करना अब प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं के समान बात करना शुरू करते हैं कि उन्हीं से जवाब लें, भला या बुरा अच्छा करना ठीक है या शब्द के दिन बुरा करना ठीक है क्या करना चाहिए कि उनके जवाब में उन्हें फंसाए क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अक्सर प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था तो प्रश्न का जवाब ना देते हुए वो अक्सर उनसे प्रश्न पूछते थे और उनका जवाब इस प्रकार होता था हम नहीं जानते या हम नहीं बताते और जब वो ये बात कहते थे तब प्रभु यीशु मसीह कहते थे तो फिर मैं भी तुम्हें जवाब देना ठीक नहीं समझता तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि शब्द के दिन क्या करना उचित है कितना क्लियरली वो समझा रहे हैं कि शब्द के दिन भला करना अच्छा है या बुरा करना अच्छा है प्राण बचाना अच्छा है या नाश करना अच्छा है तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा तो किसी ने जवाब नहीं दिया जवाब के लिए प्रभु यीशु मसीह रास्ता देख रहे थे कि वो लोग कुछ जवाब देंगे लेकिन लिखा है उन्होंने चारों तरफ देखा किसी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब वो ऐसी परिस्थिति में है कि प्रभु यीशु मसीह के पास अब चित भी मेरी पट भी मेरी उस प्रकार की परिस्थिति उन्होंने वहाँ पे क्रिएट की थी कि वो कुछ भी उसका जवाब नहीं दे सकते थे और इसलिए वो चुप रहे और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो चुप हैं और कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तब उसने उस इंसान से कहा अपना हाथ बढ़ा और उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान से हाथ बढ़ाने को कहा मित्रों प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने हारा परमेश्वर है हमने इसके पहले कोढ़ी के विषय में भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस कोढ़ी को चंगा किया वो कोढ़ी आकर उसके आगे मुंह के बल गिर के शिष्टा करके कहता है कि यदि तू चाहे तो तू मुझे स्वस्थ कर सकता है चंगा कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा और उससे कहा कि अपने आप को जाके या जग को बता तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को चंगा किया था यहाँ पर ये सूखे हाथ वाले की चंगाई के विषय में हम देख रहे हैं इसलिए मेरे सारे मित्र मैं उनसे फिर से एक बार निवेदन करूँगी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें चंगा करनेहारा परमेश्वर है उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है उसके मुंह से जब वो वचन निकलता है परमेश्वर के वचन में भजन सहिता 107 और 20 और वचन में लिखा हुआ है कि उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया उसके मार खाने से उसके कोड़े खाने से तो मित्रों उसके वस्त्र छूने से लोग चंगे हो जाते थे उसके हाथ जब वो हाथ थाम कर उन्हें उठाता था तो मुर्दे भी उठ खड़े होते थे लाजर को जब उसने बाहर खड़े होकर बुलाया और कहा लाजर बाहर निकल आ तब चार दिन का मरा हुआ इंसान बाहर निकल के आ गया मित्रों प्रभु यीशु में महान शक्ति है कोई काम उसके लिए असंभव नहीं है और इस प्रकार से उसने उस इंसान से कहा अपना हाथ आगे बढ़ा और उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया जब उसने हाथ बढ़ाया विश्वास से हाथ बढ़ाया उसने भी भी देखा होगा होगा, चारों तरफ हाथ बढ़ाने के लिए, उसे भी डर लगा क्योंकि एक तो उसका हाथ काम नहीं करता था सूखा था कभी भी वो उसे उठा नहीं पाया यदि उठाना भी होता था तो उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर और उस हाथ को उठाना पड़ता था क्योंकि उसका हाथ सूख चुका था तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ा उसका जवाब होना था प्रभु मेरा हाथ सूखा है मैं इसे हिला भी नहीं सकता तू बढ़ाने की बात कर रहा है लेकिन मित्रों उसमें विश्वास था कि जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसमें शक्ति है और प्रभु यीशु मसीह जो उपदेश दे रहा था उसकी बातें उसने सुनी थी और उस पर उसे विश्वास हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लिखा है कि वो चंगा हो गया आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्वास करो यदि आप में विश्वास है तो आप उसकी प्राप्त कर सकते हो लिखा है परंतु वे आप से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम ईशु के साथ क्या करें तो गलती किसकी है प्रभु यीशु मसीह की गलती बता रहे हैं वो उसने चंगा किया एक सूखे हाथ वाले को चंगा किया लेकिन क्योंकि ये शब्द का दिन था जो फरीसी हैं सदुकी हैं ये इस अचंभे के कार्य को देखकर उन्हें देखना सोचना था कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के बस की बात नहीं है ये एक इंसान के बस की बात तो नहीं है हम इतने दिनों से इस आदमी को देख रहे हैं लेकिन हमने ये बात कभी नहीं कही लेकिन कोई भी उसे अभी तक अच्छा नहीं कर पाया और इस इंसान ने केवल यही कहा अपना हाथ बढ़ा और उसका हाथ उत्ती दूर से उसने छुआ भी नहीं और उसके वचन में इतनी ताकत है ये कौन है इसके बदले कि उस पर विश्वास करें या छानबीन करें कि इसमें यह दिव्य शक्ति कहाँ से काम कर रही है कैसे काम कर रही है वो क्या विचार कर रहे हैं वो अपने आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम ईशु के साथ क्या करें आप ईशू के साथ क्या करने की सोच रहे हैं क्या उसे आप अलग हटाने की सोच रहे हैं अपने रास्ते से या आप उसके साथ चलने की सोच रहे हैं दिव्य शक्ति से भरा हुआ परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए ऐसे स्वर्गीय पिता के पुत्र को क्या आपकी स्पंदना होगी क्या आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार हैं क्या उससे आप लेने के लिए तैयार हैं क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं आपको क्या उस पर विश्वास है अगर नहीं है तो आज अपने आप को उसके हवाले कीजिए क्योंकि उसके वचन में ताकत है या तो हम उसके साथ चल सकते हैं या जैसे फरीसी और सदू की सोचते थे उसे रास्ते से हटा सकते हैं क्या आप उसके पीछे चलना चाहते हैं हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को नियुक्त किया और आज आप भी उसके शिष्य बन सकते हैं हम आगे चल के देखते हैं लिखा है उन दिनों में वह पह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई मित्रों प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताते थे वो अपने स्वर्ग पिता से बातें करते थे वो अपने स्वर्ग पिता से सलाह मशवरा करते थे वो उनसे शक्ति हासिल करते थे वो उनसे अगुवाई के लिए उनसे प्रार्थना करते थे किसी भी काम करने के पहले वो अपने पिता से बातें करते थे और फिर उस काम को करते थे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने रात भर प्रार्थना में बिताई और परमेश्वर से बातें की और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से बारह चुन लिए और उनको प्रेरित कहा अपोसल्स कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना करने के बाद बारह चेले चुने उनके बहुत से थे जो उनके पीछे हो लेते थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से बारह को चुना और उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं शिमोन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा और उसका भाई अंतरियास और याकूब और यहन्ना और फिलिपस और बर्तुलमय और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलोतेस कहलाता है और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस कार्योती जो उसका पकड़वाने वाला बना तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना आज वो हमें चुनने के लिए तैयार हैं यदि हम उसके पीछे होना चाहते हैं तो हम अपने आप को उसके हवाले करें और कहें प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ जैसे उस दिन तूने बारह चेलों को चुना उसमें से एक यहूदा इसकारी होती था जिसने उसे पकड़वाया भी हम उस कैटेगरी में ना जाएं लेकिन बाकी जो चेले उसके साथ चले और उसका अनुसरण किया उस प्रकार से आइए आज हम भी प्रार्थना करें कि हम उसके पीछे हो लें परम प्रधान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे इन वचनों के लिए सब्त के दिन परमेश्वर पिता भला करना भला है दूसरों के प्राण बचाना और उनकी भलाई करना सब्त के दिन भला है और तूने उस सूखे हाथ वाले को परमेश्वर चंगाई दे और परमेश्वर तूने अपने चेलों को भी चुना आज हम अपने आप को तेरे हवाले हाँ करते हैं और विनती करते हैं कि तू आज हमें भी चुनेगा परमेश्वर प्रभु जी जैसे रात भर तू ने प्रार्थना की हम भी ये सीखें परमेश्वर की कोई भी कार्य करने के पहले प्रार्थना करें काम बिगड़ते हुए देखकर उसके लिए प्रार्थना ना करें परंतु काम शुरू करने से पहले तुझसे से सलाह लें तेरी इच्छा को हम पता करें और उसके बाद हम परमेश्वर पिता उस काम को करें तेरी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे श्रोतागणों के लिए फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं हर एक परेशानी परमेश्वर हर दुख तकलीफ से उन्हें बाहर निकाल आशीष से परिपूर्ण कर और अपने पंखों तले उन्हें सदा छुपाए रख आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं सुनर ग्रहण कर आमीन 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 जय मसीह मित्रो, के मित्रों परमेश्वर आपके साथ हो बड़ी से बड़ी आशीष दे हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते जब तक के लिए जय मसीह